सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए, एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मेरा चैनल का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहेगा। हेलो गाइस, दिस सुधांशु मानदंड, यू आर वाचिंग सुधांशु एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे रेवेन्शा में मेरा ग्रेजुएशन का लाइफ कैसा रहा। तो बेसिकली मैं वन वर्ड में बताऊँ तो बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही असम रहा, और मैंने बहुत सारा मेमोरीज भी कलेक्ट किया रेवेन्शा से, जो कि मेरे साथ लाइफ टाइम तक रहेगा। तो देखो, मैं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे घर से रेवेन्शा अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स का रास्ता था। तो मैं पहले क्या करता था ना, तो फर्स्ट ईयर में मैं आना जाना करता था रेवेन्शा से, घर से रेवेन्शा। पर सेकेंड ईयर से क्या किया ना, हम लोग रूम ले लिए, मेरे बीबीए का मेरे साथ और 5 से 6 दोस्त, हम लोग रूम ले लिए कॉलेज स्क्वायर के पास। तो रूम का ओनर भी बहुत ही बढ़िया था एकदम, हम लोग भी रूम में अलग लेवल का मस्ती करते थे, क्योंकि सब बीबीए के थे, कंफर्टेबल, हम लोग कंफर्ट जोन पे थे, तो भाई अलग लेवल का मस्ती करते थे। बस वही एग्ज़ाम से पहले ही प्रिपरेशन करो और जाओ। और हमारे रूम पे तो सब हम लोग जितना मस्ती करते थे, पढ़ाई भी उतना ठीक ठाक कर लिया करते थे, मतलब किसी का ख़राब नहीं जाता था एग्ज़ाम। हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं एकदम, रूम हमारा रूममेट्स जो थे हम लोग बहुत एंजॉय किए हैं, और जो भी मुश्किल हो हम लोग खुद को एक दूसरे को सपोर्ट किए हैं। तो भाई हम लोग मिल के चले हैं जो भी 2 साल उधर रहे। फर्स्ट ईयर तो मेरा वैसे भी घर से आना जाना रहता था, नेक्स्ट 2 साल भाई रूममेट से भाई बहुत सपोर्ट मिला है और बहुत हेल्प भी किए हैं। तो भाई रूम पे तो भाई हम लोग अलग लेवल का मतलब मस्ती कर रहे थे, जब दिल किया तब घूमने के लिए जाओ, जब दिल किया तब आओ, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, कुछ नहीं था, अलग लेवल का मस्ती करते थे। तो दोस्त लोग भी मेरा मतलब उतना लंबा में फ्रेंड सर्कल नहीं लगता था, मेरा जितना भी सर्कल थे छोटा सा सर्कल था फ्रेंड सर्कल, पर बहुत ही बढ़िया था दोस्त, मेरे जितने भी दोस्त थे बहुत ही अच्छे थे, और हॉस्टल्स लोगों के साथ भी मेरा रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। तो मेरा सारे हॉस्टल्स जितने थे, वेस्ट हॉस्टल हो, न्यू हॉस्टल हो, ईस्ट हॉस्टल हो, लड़ितगिरी हो, सबके साथ मेरा अच्छा खासा रिलेशनशिप था। मैं हर हॉस्टल को जाता था दोस्तों के पास घूमने के लिए, तो भाई एकदम ऑसम लाइफ था। उसके बाद हम तुम्हारे टाइम पे पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा ये सब होगा कि नहीं मालूम नहीं, हम लोगों के टाइम पे हुआ था, उसके बाद तो बंद हो गया था। तो हम लोग एंजॉय करते हैं जो भसानी वगैरह होता है, ठीक है, तो हम लोग उसमें भी बहुत मस्ती किए हैं, मजाक किए हैं, एकदम अलग लेवल का डांस वांस किए हैं, अलग लेवल का मजाक किए हैं उधर। तो तुम लोगों के टाइम पे शायद पूजा में और भसानी वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों का एनुअल फंक्शन हुआ करता था, वेलकम सेरेमनी हुआ करता था, फेयरवेल हुआ करता था, स्पोर्ट्स हुआ करता था, फूड फेस्ट हुआ करता था। तो भाई जितना जो भी हो हर जगह हम लोग एंजॉय किए हैं, हर जगह मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ा हूँ रेवेन्शा में, ऐसा चांस मिला है कि मैं एंजॉय नहीं किया हूँ बैठा हूँ, मैं हर जगह एंजॉय किया हूँ, हमेशा एंजॉय किया हूँ। उसके बाद आई थिंक मेरा 4th सेम के आसपास मेरे लव लाइफ स्टार्ट हो गया उधर से, एक लड़की का मेरा ज़िंदगी में, एक लड़की आ गई मेरी ज़िंदगी में, ठीक है, अच्छी लड़की थी, ठीक है, बहुत हेल्प भी किए मेरे को रेवेन्शा में, ठीक है। तो उधर से सेकेंड ईयर एंडिंग के आसपास मेरा जो है लव लाइफ स्टार्ट हो गया, तो वो थर्ड ईयर तक मैं उसके साथ ज़्यादातर टाइम मैं उसके साथ ही बिताता था, वो लड़की के साथ, मतलब सुबह से लेकर जब शाम को बंद होता था अपना तुम लोगों का जो हॉस्टल, गर्ल्स लोगों का हॉस्टल, शाम के 7 बजे तब तक हम लोग रहते थे भाई, क्लास वगैरह भी एक साथ करते थे, खाना भी एक साथ खाते थे, एकदम बहुत अच्छा मेमोरीज था। तो उसके साथ भी जो मेमोरीज था बहुत ही अच्छा था, पर जब कॉलेज छुट्टी हो गया कोरोना के वजह से, तो उसके बाद वो भी नई जगह गई, कुछ हुआ होगा शायद, कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ, अभी तो है नहीं भाई, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। लेकिन मेरे साथ जितने भी टाइम भी थी बहुत हेल्प किए भी, मेरे को सपोर्ट भी किया, ठीक है, तो बहुत अच्छी थी। तो उसका भी, लेकिन भाई देखो अभी उसके मेमोरी पे हम रहे या ना रहे, पर हमारे मेमोरी पे वो रहेगी, ठीक है। तो भाई यही है, तो मेरे दोस्त लोगों के साथ भी मेरा अच्छा खासा मेमोरीज है, जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ भी अच्छा खासा मेमोरीज है, मतलब उधर आप लोग देखोगे तो मैं एकदम फुल लेवल पे मैं एंजॉयमेंट किया हूँ, लव लाइफ पे एंजॉय किया हूँ उधर, फ्रेंडशिप भी एंजॉय किया हूँ, और कॉन्फ्लिक्ट भी उधर जो हुआ है कुछ झगड़ा फगड़ा उसमें भी अपन मतलब मैं एंजॉय किया हूँ, मतलब उधर मैं फुल पैकेज में एंजॉय किया हूँ। वही है रेवेन्शा, एक इस टाइप का जगह है, आप एंजॉय करने के लिए चाहो तो आप कर सकते हो, आप अगर बैठ जाओगे तो आपको कोई बुला के लाके एंजॉय नहीं करवाएगा, ठीक है। तो भाई मैं तो फुल जिया हूँ अपना ग्रेजुएशन का लाइफ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी जब जाओ रेवेन्शा तो आप भी जियो, और मतलब जियो उधर, मस्ती करो, मजाक करो, ग्रेजुएशन लाइफ ही जियो, क्योंकि उसके बाद जब पीजी वगैरह करोगे ये लाइफ नहीं आएगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, प्लीज़ कीप सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच माई वीडियो।